नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। सावन माह की दूसरी सोमवारी को मुकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के से ही भक्तों ने भोले शंकर पर जलाभिषेक किया और सुख शांति की दुआएं मांगी। जयकारा लगा हो। जेके बोलो हो ना, बेगूसराय में एक बार फिर बरौनी रेल थाने की पुलिस ने गंगा सागर एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल बॉगी से 230 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि यह शराब किसके द्वारा ले जाया जा रहा था, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी। दूसरे सोमवारी को बेगूसराय जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मटिहानी थाना क्षेत्र के मटिहानी गंगा घाट पर स्नान के दौरान दो युवक गंगा नदी में डूब गए, जहां स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ के सहयोग से शव की खोजबीन की जा रही है। दुखद घटना है। जिला पुनर्वास के सुकेश कुमार और राम बाबू 22 साल और 23 साल उम्र के बच्चा दो आदमी नहाते वक्त डूब गए। हम लोग लगे हुए हैं, किसी तरह लाश मिल जाए, डूबे हुए आदमी को बाहर निकाला जाए। प्रशासन भी आ गए हैं और बोट भी आ चुका है। हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। गोपालगंज जिले के हथुआ सबेया फील्ड में 3809 लीटर देशी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। आपको बता दें कि हथुआ अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानों में पकड़े गए शराब, जिसमें देसी शराब 1305 लीटर और विदेशी शराब 2504 लीटर थी, जो सबेया फील्ड में जेसीबी के द्वारा नष्ट किया गया। क्षेत्र के गजहर गांव वार्ड संख्या 15 निवासी सुदाम मंडल की धर्मपत्नी बासमती देवी की ऑटो अनियंत्रित होकर पलटने से मौके पर ही मौत हो गई तथा उनकी बेटी जूली कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। हिसवा थाना क्षेत्र के धुरिहार ग्राम में राजवंशी समुदाय के महिला को जबरन अपने पक्ष में गवाही देने को लेकर राजवंशी समुदाय के ही एक पक्ष के लोगों ने दबाव बनाया, लेकिन गवाह ने किसी के पक्ष में गवाही नहीं देने को लेकर इनकार कर दिया, जिस पर दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा मारपीट कर सर फोड़ देने की घटना सामने आई है। तो एक जेल में मृत्यु की घटना थी, न्यायिक अभिरक्षा की घटना थी। तो इसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें शायद सभी को दोषी करार दिया गया है। तो इसमें जो भी उत्तर विधि समझ प्रक्रिया होगी वो की जाए। इसी के लिए मारा है, उसी लिए हम अभी खाना बना रहा, दारू बना रहा, दारू बेचता है, और वही चलता की अब तीनों सास ससुर के बहुत मारा। देव राजवंशी। हंडौत थाना इलाके के पचौरा गांव में घरेलू विवाद में गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका 2 माह की गर्भवती थी। 3 बच्चे के बाद और बच्चा वो नहीं चाह रही थी, इसके लिए अक्सर पति पत्नी में विवाद हुआ करता था। चला।
नूरसराय थाना इलाके के बिलदारी गांव के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई। मृतक के परिजन ने बताया कि वो बिहार शरीफ से मजदूरी कर रामानंदन कुमार के साथ बाइक से घर लौट रहा था। इसी बीच बिलदारी चिमनी भट्ठे के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी हालत में दोनों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उदय चौहान की मौत हो गई। दोनों आ रहे थे तो बिलदारी का दरबारा गांव के बगल में भाठा किनारे वहां पर हीरो होंडा से आ रहे थे तो पानी में ही डूबा हुआ था। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।